तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है मिस्टर जे को, जो अपने डैड को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हैं और शर्माते हुए कहती हैं, डैड आप यहाँ? जिसके बाद पूरे कमरे में एक सन्नाटा सा छा जाता है और सब एक दूसरे को घूर कर देखने लगते हैं। जिसके बाद मिस्टर जे के डैड गुस्से में कहते हैं, तो क्या मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए? क्या मुझे कार के पास होना चाहिए था? जिसके बाद मिस्टर जे अपने डैड को समझाते हुए कहती हैं, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, वैसे ये मेरा नया इंस्ट्रक्टर है। जिसके बाद लिन अपने मन में कहता है, सच में ये बुड्ढा एक गलत टाइम पर यहाँ पर आ गया। जिसके बाद मिस्टर जे के डैड लिन को देखते हुए मिस्टर जे से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कभी किसी इंस्ट्रक्टर से नहीं मिला? सारे इंस्ट्रक्टर साइड से देखते हैं, ना कि ज़मीन पर उस तरह बैठा कर। जिसके बाद मिस्टर जे अपने डैड को समझाने लगती हैं और कहती हैं, डैड आप गलत समझ रहे हैं, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, ये एक एडवांस इंस्ट्रक्टर हैं, यह बस मुझे जर्नली गाइडेंस दे रहे थे, ना कि प्रैक्टिकल कर रहे थे। जिसके बाद मिस्टर जे के डैड मिस्टर जे को डांटते हुए कहते हैं, चुप हो जाओ और वहाँ जाकर खड़ी हो जाओ, मुझे अभी उससे कुछ कहना है। जिसके बाद लिन अपने मन में कहता है, तो यह सच में बहुत अच्छा करियर है, लेकिन बस मेरे पीछे एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर, क्या मैं सच में हूँ? जिसके बाद मिस्टर जे के डैड लिन के बगल में जाकर बैठ जाते हैं, जिसे देखकर लिन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है उनसे। जिसके बाद वो लिन से कहते हैं, तो यंग मैन तुम्हारा नाम क्या है और तुम करते क्या हो? जिसके बाद लिन उनसे डरते हुए कहता है, मेरा नाम लिन यू है और मैं ड्राइवर हूँ ब्लाबला में। जिसके बाद मिस्टर जे के डैड हैरान होते हैं और कहते हैं, तुम बस मजाक ही कर रहे हो ना, क्योंकि मैं अपनी बेटी का हाथ तभी दूंगा जब तुम ब्लाबला में कोई स्पोर्ट कार को चलाते होगे। जिसके बाद लिन हंसते हुए कहता है, हाँ वैसे यह सच है, मैं एक स्पोर्ट कार को ही ब्लाबला में ड्राइव कर रहा हूँ। यह सुनकर मिस्टर जे के डैड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और लिन के कंधे पर हाथ रखते हैं और लिन से कहते हैं, अच्छा तो जो पगानी दरवाजे पर खड़ी है, ओके तुम बाकी सारे अपने खाने पीने वाले दोस्तों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक सही इंसान के हाथों में अपनी बेटी का हाथ दिया है। जिसके बाद लिन अपने मन में कहता है, वैसे मैंने आज एक लाइव शो भी देखा था जहाँ पर एक इंसान को आंटी बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट पेज पर कि मिस्टर जे के डैड वहाँ से जा रहे होते हैं और मिस्टर जे से कहते हैं, मुझे नौजवानों की दुनिया को समझना नहीं आता। यह सुनकर मिस्टर जे काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती हैं और अपने डैड से कहती हैं, नहीं आप गलत समझ रहे हैं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। जिसके बाद मिस्टर जे के डैड पीछे की तरफ मुड़ते हैं और हंसते हुए लिन से कहते हैं, तुम दोनों ज़रूर आना मिस्टर जे के ग्रैंडफादर के 80वें बर्थडे पर, जिनका नाम क्विंगयान है, मैं तुम्हें फैमिली के बाकी मेम्बर से भी उसी टाइम पर मिलवा दूंगा। तुम दोनों उस दिन अपना हौसला मत खो देना, तुम लोग वहाँ पर जरूर आना। जिसके बाद मिस्टर जे के डैड वहाँ से शांति से चले जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर जे लिन से कहती हैं, माफ़ करना शायद मेरे डैड को कोई गलतफहमी हो गई है। जिसके बाद लिन इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मिस्टर जे के ऊपर आ जाता है और मिस्टर जे से कहता है, गलतफहमी शायद ये गलतफहमी काफ़ी अच्छी है, तो चलो इस चीज़ को आगे भी कंटिन्यू करते हैं। यह सुनकर मिस्टर जे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। जिसके बाद मिस्टर जे शर्माते हुए लिन से कहती हैं, ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अगर तुम इसे इस तरह से जारी रखना चाहते हो। जिसके बाद लिन गंदी हरकतें करते हुए मिस्टर जे से कहता है, तो ठीक है हम स्क्वाड्स को कंटिन्यू रखते हैं। जिसके बाद मिस्टर जे इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं और लिन को पीछे की तरफ धक्का दे देती हैं। जिसके बाद लिन मिस्टर जे से कहता है कि स्क्वाट्स करने में सबसे ज़्यादा प्रेशर उन्हीं मांसपेशियों पर पड़ता है। जिसके बाद मिस्टर जी अपने मन में कहती हैं, तो वो बस मुझे बताना चाहता था और मैंने कुछ गलत ही समझ लिया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिन का मोबाइल अचानक से वाइब्रेट करने लगता है। जिसके बाद लिन अपने मोबाइल को अपनी पैंट से निकालता है और उस मोबाइल में देखता है, तो उस मोबाइल में एक मैसेज आया होता है जो लिन की पुरानी कंपनी से होता है। जिसके बाद लिन उसको पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि लिन के जाने से कंपनी के काफ़ी मेम्बर्स काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, जिसके लिए उन्होंने लिन के लिए एक फेयरवेल पार्टी रखी है। जिसके बाद लिन वहाँ से जाने लगता है और मिस्टर जे से कहता है, तो यह एक रेस्ट टाइम है, बाकी के 9 सीटअप्स हम अगली बार करेंगे। जिसके बाद लिन वहाँ से निकलता है और एक होटल के पास जाता है
जिसके बाद हमें पता लगता है किसी होटल में लिन के कंपनी के कुछ स्टाफ्स ने लिन के लिए फेयरवेल की पार्टी रखी है। जिसके बाद लिन उस होटल के अंदर जाता है, जहाँ एक लेडी लिन को कहती है, जल्दी आओ, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर एक सीट बचा के रखी है। जिसके बाद हमें बताया जाता है उस लड़की का नाम वैंग येंग होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उनके पीछे बैठे हुए उन दोनों लड़कों का नाम ली जेंग डोंग और दूसरे वाले का नाम हैवांग यूवी होता है। जिसके बाद वह लेडी जिसका नाम येंग है, वो लिन से कहती है, मैं ये नहीं कह रही थी कि तुम इसे इतनी आसानी से इम्प्रेसिवली छोड़ दो, मैं बस तुम्हें तुम्हारे लेवल से थोड़ी देर के लिए ऊंचे लेवल पर प्रमोट करना चाहती थी, सेल्स डायरेक्टर के लेवल पर। जिसके बाद यूवी बोल पड़ता है और यिंग से कहता है, आप गलत कह रही हैं, मेरी परफॉर्मेंस भी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, और आप ये कैसे कह सकती हैं कि सेल्स डायरेक्टर की सीट आखिर उसे ही मिलनी चाहिए। जिसके बाद यिंग गुस्से में यूवी से कहती हैं, तुम क्या कह रहे हो, उसकी परफॉर्मेंस तुम सबसे काफ़ी बेहतर है, इसीलिए यह स्वाभाविक है कि सेल्स डायरेक्टर की पोस्ट उसे ही मिलनी चाहिए। जिसके बाद यूवी हंसते हुए यंग से कहता है, वैसे भी वह उसका क्या करेगा, वो तो पहले से ही कंपनी से निकाल दिया गया है। जिसके बाद यूवी ली को जूस देते हुए कहता है कि और मैंने सुना है कि डायरेक्टरी के कागज जल्दी ही सेल्स डिपार्टमेंट से यहाँ पे आने वाले हैं, इसीलिए मेरा भी एक प्रस्ताव है कि हमें एक बार उसका टेस्ट लेना चाहिए। जिसके बाद ली यूवी से कहता है कि ऐसा मत कहो, वैसे भी मैं जल्दी डायरेक्टर बनने वाला हूँ सेल्स डिपार्टमेंट का, लेकिन यहाँ पे सबसे मेन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर लिन है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर कोई भी लीडरशिप करने वाला नहीं। यह सब सुनकर लिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वह उन दोनों के पास जाता है और कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों मेरे फेयरवेल के लिए नहीं आए हो, बल्कि तुम बस यहाँ पर दिखावा करने के लिए ही आए हो। जिसके बाद ली लिन से कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो लिन, हम यहाँ पर बस तुम्हारे फेयरवेल के लिए ही आए हैं, और वैसे भी क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है, एक बड़ी सिटी इतनी ज़्यादा भी आसान नहीं होती, एक कंस्ट्रक्शन साइट पर भी तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते। जिसके बाद यूवी लिन से कहता है, वैसे भी आप सही कह रहे हैं, एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना ये तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है उसके लिए, वैसे भी वह एक अनाथ है तो वह अब घर भी नहीं जा सकता। जिसके बाद ली अपना ग्लास नीचे रखते हुए लिन से कहता है, वैसे भी वहाँ का प्रॉपर्टी मैनेजर हमारा एक फैमिलियर ही है। जिसके बाद ली उस ग्लास को वापस से उठाता है और लिन से कहता है, वैसे तुम मेरे घर क्यों नहीं आते, मैं तुम्हें अपने घर के डोर का वॉचमैन बना सकता हूँ। जिसके बाद लिन ली की बात का जवाब देते हुए कहता है, नहीं ब्रदर, मुझे उस काम की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मेरे पास रनिंग ब्लाबला में पहले से ही वर्क अवेलेबल है, और वैसे भी मैं ड्राइव करते हुए ड्रिंक नहीं करता। जिसके बाद तुरंत एक दरवाज़ा ओपन होता है और उसमें से एक वेटर निकलता है और उन सभी से कहता है कि आप सभी कस्टमर में से क्या किसी ओनर की गाड़ी वहाँ नीचे खड़ी है, जिस गाड़ी का नाम पगानी विंड चाइल्ड है। इतना सुनकर वह तीनों तुरंत नीचे की विंडो से नीचे देखने लगते हैं। जिसके बाद यह चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है।